देखिए, जो पीड़िता छात्रा है गुड़गांव की ही रहने वाली है और उसने महिला थाना मानेसर में एक रिटर्न कंप्लेंट दी, जिसमें उसने बतलाया कि उसकी कुछ समय पूर्व गांव नवादा के केशव के साथ दोस्ती हुई थी और उसने दोस्ती फेसबुक के जरिए उसके साथ की थी। उसके बाद केशव ने उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उसके जो अन्य साथी थे अभिषेक और सुनील, उन तीनों ने उसको ब्लैकमेल करते हुए बिना उसकी मर्जी के उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। और उसके बाद जब पीड़िता छात्रा की शादी किसी अन्य जगह तय हुई तो इन तीनों ने मिलकर उसके कुछ पर्सनल फोटोज उसके जहां सगाई थी वहां पर सेंड कर दिए, जिस संबंध में पीड़िता छात्रा द्वारा थाना महिला मानेसर में शिकायत देने पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध रेलिवेंट सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों में से दो आरोपी जो सुनील और अभिषेक और केशव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील की गिरफ्तारी अभी बकाया है, केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ये करीब 2016 से इसकी जो पीड़िता छात्रा की थी तीनों के साथ फेसबुक के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी। सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही है, कहाँ ले जाकर इन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया था? देखिए, जो जैसा पीड़िता छात्रा ने बताया कि वो उसको जो शुरू में जिसके साथ इसकी दोस्ती हुई थी केशव के साथ, केशव उसको अपने दोस्त के गांव लेके गया था, वहीं रूम में इन तीनों ने मिलकर उसके विदाउट हर कंसेंट उसको ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था।